नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम देखते हैं हमारे देश में बहुत सारे बच्चे मंदबुद्धि हैं। इसका कारण ना डॉक्टर समझ पाते हैं, ना माँ बाप समझ पाते हैं कि बच्चे मंदबुद्धि क्यों पैदा होते हैं। तो इसके कुछ कारण हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हर किसी माँ बाप को ये जानकारी होगी तो ऐसे बच्चे पैदा होने से काफी हद तक रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। किसी महिला को प्रेगनेंसी से पहले थायराइड या बीपी हाई की समस्या हो, उनका बीपी हाई रहता था, तो ऐसी महिलाओं को मंदबुद्धि बच्चे पैदा होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। या उन्होंने किसी बीमारी को लेकर कोई पेन किलर खाई हो या कोई स्किन संबंधित दिक्कत रही हो तो भी मंदबुद्धि बच्चे पैदा होने का एक कारण होता है। प्रेगनेंसी के दौरान कोई चोट लगी हो तो बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है। बच्चे का जन्म, कहा जाता है कि 9 महीने के बाद अगर बच्चे का जन्म होगा तो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ पैदा होगा। अगर किसी कारणवश, कोई डेफिशिएंसी के कारण, कोई इमरजेंसी के कारण अगर बच्चे की डिलीवरी 9 मंथ से पहले की जाती है, जैसे कि 8 महीने में या 7 महीने में कुछ बच्चों की डिलीवरी करनी पड़ती है इमरजेंसी केसेस में, तो बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है, क्योंकि उसका पूरा शरीर डेवलप नहीं होता। उसके जो ऑर्गन्स है, हार्ट, लीवर, किडनी, उनका विकास नहीं हुआ होता, जिसके कारण से उनके ब्रेन को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, सेल्स को ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, जिसके कारण से बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है। जिस पार्ट्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंची, मान लीजिए हाथ में नहीं पहुंची तो हाथ में दिक्कत हो सकती है, पैर पे नहीं पहुंची तो पैर पे दिक्कत हो सकती है। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जाते हैं। या प्रेगनेंसी के समय माँ को कोई लेडीज प्रॉब्लम रही हो, जैसे कहा जाता है कि महीने 28 दिन के बाद मेंसेस आने चाहिए लेडीज में, अगर वो किसी कारण से इरेगुलर रहते हैं, कम या ज्यादा रहते हैं, ज्यादा समय तक रहते हैं। मान लीजिए इसका जो पीरियड माना जाता है वो 4 से 5 दिन माना जाता है। अगर ये 4-5 दिन से बढ़कर बहुत सी लेडीजों को देखा जाता है कि 8 दिन 10 दिन भी होता है, तो ऐसी महिलाओं को भी मंदबुद्धि बच्चे पैदा होने के चांस होते हैं। डिलीवरी 9 मंथ के बाद या 8th मंथ में होती है और किसी कारणवश, मान लीजिए बच्चा और माँ के बीच में एक नाड़ू होती है जिससे जो भी माँ खाती है वो बच्चे को लगता है, ऐसा कहा जाता है। अगर बच्चे के रोने से पहले किसी भी कारणवश अगर वो नाड़ू पहले काट दी जाए तो उसके लंग्स डेवलप नहीं होंगे, उसके बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उसके ब्रेन के सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिसके कारण से भी बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है। आपने देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको या तो वो खुद ही रोए या उसको रुलाने का प्रयास किया जाता है। कई बार तो देखा है उसकी दोनों टांगे पकड़ के उल्टा लटका लिया जाता है और पीछे से मारा जाता है, धीरे धीरे उसके बम पे इस प्रकार से मारा जाता है जिससे कि वो रोए, उसके ऑर्गन्स डेवलप हों, उसकी बॉडी के हर सेल्स को ऑक्सीजन मिले। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, हर माँ बाप इन चीजों को समझे, सोचे और विचार करे, तो ऐसे बच्चों को जो मंदबुद्धि हमारे देश में लगातार पैदा हो रहे हैं उनको काफी हद तक आप अपनी जानकारी से रोक सकते हैं। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जो माँ बापों को ये जानकारी नहीं है, बच्चा जन्म लेने वाला है और उसके अभाव के कारण कहीं उनके साथ ऐसा ना हो, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी तक जिसने भी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वे तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। धन्यवाद।